हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ हम आए हैं चांदनी चौक करवा चौथ पे पहनने के लिए लहंगा खरीदने। तो ये बनारसी सिल्क की लहंगा है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने ज़्यादा यहाँ ब्लॉग नहीं शूट किया था, ज़्यादा ज़्यादा मैंने रील्स वगैरह और मिनी ब्लॉग शूट किया था, तो मैंने सर थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। किट्टू से पूछते किट्टू ये कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हमारे घर में शादी है, शादी में पहनने के लिए कुछ ऐसा ही लहंगा कर देंगे। लेकिन मैंने करवा चौथ के लिए लहंगा ले लिया है, वो शायद फिटिंग हो रहा है, जिससे कि जो घेरा वगैरह होता है, जो डोरी वगैरह लगता है, तो वो भैया नीचे ले गए हैं करने के लिए, तब तक ये लहंगा दिख गया। तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर लेते हैं, तो लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लहंगा अभी तक नहीं पहना है, तो मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, अभी शादी है घर के अंदर, तब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसा लहंगा ले जाएंगे, नहीं कुछ और देखेंगे। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को भी लेना है तो यहाँ आ सकते हैं चांदनी चौक कार्तिका जी नत इनके शॉप का दुकान है। तो ये देखिए दूसरा लहंगा है पिंक कलर का, इसको भी मैंने ट्राई करके देख रही भाई पहनने में क्या हुआ। लहंगा इतने ढेर सारे, ऐसा लग रहा था सारे लहंगे पहन लूँ। तो आप लोग भी देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये भी लहंगा कैसा लग रहा है। तो आगे बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ना अच्छा चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। तब तक ब्लॉग में खूब ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, ये देख सकते हैं आज है 28 तारीख और शरद पूर्णिमा भी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्दे उर्दे आपको दिख रहा है। तो यहाँ भगवान का फोटो टांगा हुआ था, तस्वीर था, तो ग्रहण लगने वाला था और सूतक लग गया है शाम को 4 बजे के बाद ही शायद। तो भगवान को ढाक दिए हैं, मंदिर भी ढाक दिए हैं। ये शाम का टाइम है और शाम को पूजा नहीं किए थे, आज रात को 1 बजे के बीच में ही शायद ग्रहण वगैरह लगेगा। लेकिन सूतक 9 घंटा पहले लगा है, तो भगवान को भी एकदम अच्छे से ढाक वगैरह दिए हैं। तो बहुत अच्छा दिन था, लेकिन आज यही ग्रहण लगकर लोगों का मतलब कि भगवान के ऊपर ग्रह लग गया है, यही दिन अच्छा नहीं लग रहा है आज। जब तो यहाँ ढेर सारे कपड़े धुले हुए थे 2 दिन पहले का, और कभी हमको इधर जाना कभी उधर जाना। कल चांदनी चौक गए थे करवा चौथ के शॉपिंग के लिए, कभी बच्चे को मेले लेकर, कभी मार्केट जाना, टाइम नहीं मिलता है। छोटा सा दिन है, जो दिन बीत जा रहे फटाफट, और ये शाम का टाइम है। कल जब मार्केट गए थे चांदनी चौक से, आई रात को 10 बजे, और मेरा थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, सब भारी भारी लग रहा है। बच्चे भी ट्यूशन से पढ़ के आ गए हैं, चलिए बच्चे से मिलाते हैं। और जब तबीयत सही रहता है ना, तो सब काम करने का मन कर रहा है। एक्चुअली क्या है, ये कपड़े क्यों इतना फैला हुआ है, मैं अलमीरा लेने वाली हूँ, तो मैं सोची अगर इसको अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में रखेंगे, फिर अलमीरा आएगा और फिर उसके बाद फिर हम कपड़े फिर निकालो फिर फोल्ड करो, तो वही वाली बात हो गई। अभी आज इतना ढेर सारे कपड़े इधर धुल के रखे हुए हैं, अच्छे से मिलाते हैं। बच्चे ट्यूशन से आकर क्या कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई पढ़ाई क्या, ये क्या सब गेम देखता है। अब इन लोग को इतना ठंड गर्मी लगती है कि पंखे, और खाना बन गया है, चलो चला रहे। पापा को फोन किए थे, बोले हैं कि अभी आ रहे हैं, तो मैं आज शाम को खाना थोड़ा जल्दी बना लिए थे। मैं दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ, एक मिनट। दिन में तो भिंडी की सब्जी बनाए थे, और यहाँ मैंने बनाया है वेज बिरयानी, मतलब सोयाबीन वगैरह डालकर। इसमें भाई तुलसी का पत्ता ही डाल देते हैं धोकर, क्योंकि लगा हुआ है तुलसी पत्ता डालने से क्या होता है। सबसे सही जगह दिन में भिंडी की सब्जी रोटी बनाए थे, और बहुत ताज़ी ताज़ी मूली है, और दही पत्ती दो लाएंगे, खाया जाएगा खाने के साथ। और एक साड़ी मेरा पार्सल आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। और एक वो लिपस्टिक का है, ये लिपस्टिक आया है मेरा, और ऑपरेशन की वीडियो बनाना है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, भागम भगम जिंदगी लगा हुआ है। अभी मैं आप लोग के दिखाती हूँ, मैं उसी मार्केट गए थे ना, आंवला मुरब्बा है, बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी है।
मैं 2 दिन खाई थी, एक एक बहुत टेस्टी लगा था, जामुन की तरह मीठा लग रहा है। ये शहद में बना हुआ बिल्कुल प्योर है। और आज कार्तिक लग गई है तो मैं सोची खाया जाता, नहीं खाया तो इसलिए नहीं खाया, मैं नहीं खाई। अगर आप लोग को पता है तो बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये चूड़ी है, और फोटो वाला चूड़ी है, नाम वाला चूड़ी है। हम लोग तो पहन चुके हैं, लेकिन मैं किसके लिए मंगाया है, मेरी एक इंस्टा भी मतलब फ्रेंड बनी हुई है, और ये चांदनी चौक और चांदनी चौकर है। चांदनी चौक गए थे तो मुझे चांदनी चौक का ही नाम याद आ रहा है, जो मोनिका जी को लड़की को रुद्राक्ष दी थी, तो उन्हीं ने वो हमको बोली थी दीदी मुझे ना एक आप लोग प्रमोशन करते तो एक चूड़ा मेरे लिए भी मंगवा दो, तो पैसे वैसे देने के लिए बात कर रही थी। और पंडित है तो मैंने बोला नहीं यार हम आपसे ये सब नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये चूड़ा उनके नाम का उनकी फ़ोटो का बन गया है। वो बोली थी मेरा बहुत पहनने का मन है, हमके पार्सल कितने दिन से लगा हुआ है लेकिन अभी तक आया नहीं, लेकिन उन शायद उनका कलर चल पहनने का मन था तो आ गया है। अब देखते हैं इसको हम स्वयं लेके जाते हैं, पतिदेव से भेजते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्योंकि त्यौहार भी नज़दीक है ना। और एक लिपस्टिक भी आया था हमारे पास, इसका भी वीडियो बनाने के लिए। खुल गया भाई, खाती हूँ एक मिनट। ये देखिए लिपस्टिक है, बहुत ढेर सारा कलर अच्छी है। अभी इसका इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाकर डालना है, बनाकर डालेंगे। सारा म्यूट कलर है, न्यूट कलर देख सकते हैं, बस यही तीन तो जो है डार्क कलर है, लेकिन शायद न्यूट कलर है और अच्छा भी लगता है। और एक साड़ी भी आई हुई है रेड और पीला में, ब्लाउज इसका रेड है, लाल कलर का है, लाल एक मैरून वाला लाल आता है ना वो लाल है। और ये साड़ी मैं सोच रही इसको ना करवा चौथ से नहा कर पहनने के लिए, तो यही सब आया है। और ज्वेलरी भी आया है, मैं करवा चौथ पे पहनूँ और ज्वेलरी भी आया है, करवा चौथ पे पहनेंगे। अब मैं क्या बोलूँ, वीडियो में जुकाम की वजह से ना मैं अपना फेस ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, और फिर जब जुकाम हो जाता है एकदम दिमाग ख़राब लगता है। तो इसी प्रकार बने रहे ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस इस बार करवा चौथ पे बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, इतना सुंदर लहंगा पहनेंगे तो मेकअप के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर मैं गिट्टों के घर जाती हूँ, वैसे करवा चौथ का पूजा तो साथ में ही किया जाता है और अच्छा लगता है, और फिर ये है कि क्या क्या सामान मैं उठा कर लेकर जाऊँ, पूजा पाठ वाला सामान, यही बातें जैसा होगा अब देखा जाएगा, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस ये कि इतना महंगा लहंगा पहने रहेंगे और मेकअप खुद से करो अच्छा नहीं लगता है। इंसान तो जैसे हमेशा आप लोग देखते हैं वीडियो में, लेकिन ये कि लहंगा रहेगा उसमें थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पूजा जी तो खुद ही मेकअप करती हैं, अरे व्रत रहती हैं तो वो नहीं आ पाएंगी, और आज और इस बार तो किसी को बुला भी नहीं सकते हैं, अब किसी से मेकअप कराए भी नहीं है, और फिर वही दुविधा है, देखते हैं क्या होता है, किससे मेकअप कराते हैं, स्वयं करते हैं क्या करते हैं। जो भी होगा आपको ब्लॉग के थ्रू करवा चौथ को देखने के लिए मिल जाएगा, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। बस अभी क्या है कि करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं, बस ये है कि जल्दी से मेरा सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, ऐसे चेहरा लटकता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए ये छोटा सा हमारा वीडियो था, अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। वैसे ब्लॉग में क्या है, बस यही सब है, जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ देख यूज़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी रियल लाइफ। तो ऐसे ही प्यार को सपोर्ट, प्यार खूब दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।